की कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्पेशल डेटा क्वालिटी इंक्लूड्स, ऑप्शन है अपने पास पोजिशनल एक्यूरेसी, टेम्पोरल एक्यूरेसी, लीनियज एंड कंप्लीटनेस, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, क्या लगता है आपको, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। देखिए जहां ऑल ऑफ द अबाव है ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऑल ऑफ द अबाव वाले ही आंसर सही हो। तो इसका उत्तर वाकई में ऑल ऑफ द अबाव है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ द। पहले समझिए क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी से ऐसे समझिए, किसी एक जैसे एक दुकान पे गए जिसपे केवल छप्पर है, वहां आप चाय पीने गए, ठीक, अब उसने कौन सा पानी यूज किया है, वो आदमी क्या है, गंदगी में रहता है, साफ सुथरे में रहता है, 5 रुपए की चाय दे रहा है वो। लेकिन जैसे ही आप किसी एक एस्टेब्लिश दुकान में गए, वो दे तो रहा है 50 रुपए में, यही चाय दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल साफ सुथरा है, इसका जो पानी है यानी कि जो वाटर ये यूज कर रहा है टी के लिए, वो बहुत साफ सुथरा है, क्लीन है, यानी कि ये ISI मार्क्ड कह लो, या फिर आप कोई इसके ऊपर क्वालिटी चेक हो रखा है। तो ये क्वालिटी स्पेशल डेटा में भी तो होनी चाहिए, GIS में भी तो होनी चाहिए। यही बात है कि डेटा क्वालिटी में कंप्लीटनेस होती है, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा, लॉजिकल कंसिस्टेंसी होती है, पोजिशनल एक्यूरेसी होती है, थीमेटिक एक्यूरेसी होती है, टेम्पोरल एक्यूरेसी होती है, और यूजेबिलिटी, तभी स्पेशल डेटा की क्वालिटी नापी जाती है। पहले मैं बता दूं कि स्पेशल डेटा क्वालिटी ये तरीका है कि हम डेटा के एक्यूरेसी के बारे में पता कर सके, डेटा कितने रिलायबल है, कितना विश्वास कर सकते हैं वो पता कर सके, क्या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में या इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम इसको यूज कर सकते हैं, और क्या हम किसी यूजर को दे सकते हैं, क्या ये GIS और डिजिटल डेटा सेट जो हमने बनाया है या हम दे रहे हैं, वो कितना इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है, या कितना इनके लेवल पे या मापदंड पे हमने चेक किया है, और हम बिल्कुल आश्वस्त है कि हाँ ये डेटा बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसके लिए 7 एलिमेंट होते हैं स्पेशल डेटा क्वालिटी। अब वो क्या क्या होते हैं, एक कर समझिए आप, मैं यहाँ पे आपको 7 चीजें दिखा रहा हूं। पहली चीज है पोजिशनल एक्यूरेसी, एट्रीब्यूट एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, लीनियज, सिमेंटिक एक्यूरेसी, टेम्पोरल इंफॉर्मेशन, राइट। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके समझा रहा हूं, 7 एलिमेंट जो स्पेशल डेटा क्वालिटी के लिए होते हैं। अब यहां पर हमने GIS में एक मैप डालने की कोशिश की, ठीक। पहली चीज आएगी कि इस मैप पे, या फिर इस मैप के साथ हमने GPS का डेटा भी डालने की कोशिश की। पहली चीज है पोजिशनल एक्यूरेसी क्या है, GPS का डेटा है तो यहाँ एक्यूरेसी बताइए कि 10 मीटर है, 20 मीटर है, क्या एक्यूरेसी है इसकी। दूसरी चीज आती है एट्रीब्यूट एक्यूरेसी। एट्रीब्यूट का एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने इसमें इस GPS या इस मैप डेटा में कुछ एट्रीब्यूट डाल दिए, एट्रीब्यूट डाले, जैसे मैप का आपने बता दिया कि भाई इसका साइज ये है, इसका लोकेशन ये है, लोकेशन कितना सही है, आपने लोकेशन दिया 28.3 और 78.6। अब कोई बोल रहा है नहीं यार ये तो सही नहीं आ रहा, ये तो मैप सही जा ही नहीं रहा, ये तो 27.3 है और 78.6 है, तो ये 1 डिग्री का 111 किलोमीटर आपको आगे ले जाएगा, तो गलत एट्रीब्यूट नहीं दे सकते आप, एट्रीब्यूट की चेकिंग होगी, ये एट्रीब्यूट की बात हो गई। कंप्लीटनेस मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए इस GPS में आपके पास कुछ डेटा है 1, 2, 3, 4, अब इसके बारे में तो आपको पता है ये तीनों के बारे में, इसके बारे में नहीं पता कि ये कब लिया गया था, कैसे लिया गया था, या फिर इस तरीके से समझिए कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने 4 लोगों के नाम लिखे, 4 लोगों के नाम लिखने, 4 आदमी आपके पास है, 1 का, 2 का, 3 का नाम लिख दिया, 4 का नाम ही नहीं लिखा, वो कंप्लीटनेस हो गई कि भाई नाम ही नहीं लिखा। लॉजिकल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि भाई कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि सब बराबर होना चाहिए, और लॉजिकल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वे लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप ये कहें कि ये जो मैप मैं लाया हूं ये है, सब कुछ सही सही बता दिया कि इसका साइज ये है, लोकेशन ये है, ये सब ये है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल काला है, या फिर दिखने में ये आपको कहीं अंटार्क्टिका का दिख रहा है, अंटार्क्टिका का दिखा के आप बता रहे हैं कि इस लोकेशन का है, तो लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी हो गई। लीनेज मतलब है कहां से आया है, कहां से डेटा आपने लिया और आगे लाके मैप बता दिया कि भाई ये डेटा है, अब कहां से आया है, ये किस आइकोनोस से आया है, क्विक बर्ड से आया है, किसी और सैटेलाइट से आया है, इसका लीनेज तो बताइए। सिमेंटिक एक्यूरेसी मैं यही नाम पे लाता हूं, आपने कहा मेरे पास 4 आदमी है, 1 का नाम अमित है, तो अमित का नाम आपने ये रख दिया, अमित गलत हो गया, उसने कहा मेरा नाम अमित है भाई, AMIT है, तो सिमेंटिक एक्यूरेसी यहां पर काम कर गई। टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन में है, आपने मैप लाया और मैप लाते हुए आपने कहा कि मैंने ये 2007 का मैप दिया, और जैसे ही आपने देखा इसको, अरे ये तो 1997 का मैप है यार, कहां ये 10 साल बाद का मैप दे दिया मुझे, यानी कि टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। तो ये सारी स्पेशल डेटा क्वालिटी को गवर्न करने वाले 7 एलिमेंट्स।